ट्रेलर हैज गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स। एंड मैं बात करूँ ट्रेलर को जिस तरह रिस्पॉन्स मिला है, कॉमेंट सेक्शन पढ़ रहा था काफी अमेजिंग, आपके बारे में काफी चर्चा हो रही थी और आप दोनों के बारे में, इनफैक्ट मनीष सर आपके बारे में जिस तरह से पोर्ट्रे किया है ट्रेलर में, आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर आने के बाद? ट्रेलर के साथ साथ जो है स्क्रीनिंग भी चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। लोग कहीं ना कहीं फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिल्म कहीं बहुत गहरे में असर कर रही है। जैसे विनीत सिंह जी ने बताया कि हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, अभी जब आपसे बात कर रहे हैं उस हिसाब से हमने कई शहरों में स्क्रीनिंग की है और पूरी फिल्म दिखाई है, ऑडियंस का व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा आ रहा है और ऐसे लग रहा है जो हमने बात दिल से की है वो दिल तक पहुंच रही है, तो अच्छा लग रहा है। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? काफी ट्रेलर में मैंने देखा काफी स्ट्रॉन्ग किरदार आपने निभाया है, काफी सारे डायलॉग भी लग रहे थे और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे ट्रेलर के आने के बाद? ट्रेलर के आने के बाद बहुत अच्छे जेन्युइन ऑनेस्ट के साथ, मतलब ऑनेस्टी के साथ जो एक आप रिव्यू देते हो फिल्म देखने के बाद या ट्रेलर देखने के बाद, वैसे रिव्यूज दे रहे हैं, मतलब जो हमने फिल्म में दर्शाया वो लोगों तक पहुंच रहा है। ये हमें लगा कि अब टाइम आ गया कि हम इस कहानी को छुए, इस कहानी के बारे में बात करें, ऐसी फिल्म बनाए। और जैसा कि एनसीआरबी रिपोर्ट भी आई है अभी लेटेस्ट, अगर आप लास्ट टू लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड, स्पेशली अगर रेप की बात करें तो ऑलमोस्ट 86 टू 90 रेप्स हो रहे हैं इंडिया में डेली जो कि रजिस्टर्ड हैं, एंड इमेजिन 90% ऑफ दिस केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड। तो यू कैन इमेजिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और बहुत ज़रूरी है कि हम अब इसके बारे में बात करें, इस चीज़ का संज्ञान लें और एक ऐसी कहानी सामने रखें जो दर्शकों तक पीड़िता का दर्द पहुँचाए, पीड़िता की फैमिली का की वापो उसके दर्द को पहुँचाए। और ये फिल्म सिया उसी बात पे फोकस रखती है कि पीड़िता कैसे संघर्षरत रहती है और कैसे न्याय के लिए वो अगर अपना सर भी उठाती है और कदम बढ़ाती है तो महेंद्र जैसे लोग उसका साथ भी देते हैं, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती है, कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है इंसाफ के लिए। तो इसलिए ये हमने सोचा कि ये सब्जेक्ट पर बात करें और इस तरीके से कहानी करें कि दर्शकों को दर्द से रूबरू कराएँ। सिया के बारे में मैं कुछ और जानना चाहूंगा आप लोगों से, जो वर्ड सिया है उसकी काफी सारी मीनिंग निकल रही है, बट ये सिया किस तरह का मीनिंग दर्शकों को देगा? सिया इज अ कोलोकियल वर्ड फॉर सीता, एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे तो चार कहानियों पे हमने रिसर्च किया था, चार केसेस पे हमने रिसर्च किया, उसमें से तीन केसेस की लड़की का नाम एस से था, तो ये तो तय था कि हम एस से ही कोई नाम रखेंगे। और इस जब हम कहानी लिख रहे थे तो मुझे बार बार सिया ही नाम आ रहा था, मोर बिकॉज ऑफ माई लिंक टू वॉट आई पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर एज। तो पीछे और कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान और कोई लॉजिक नहीं गया है, दिल से आवाज़ निकली, वो दिल को सुन लिया और बस मैंने लिख दिया। और एक इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत आप देखेंगे तो बहुत कॉमन इस चीज़ को पाएंगे कि घरों में नाम इस तरीके के हैं जो देवी देवता या किसी आराध्य के नाम से जो है वो नाम लिया गया। मेरे पिताजी का नाम शिवराम सिंह है तो उसमें शिव भी हैं और राम भी हैं। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है, गोपाल है, तो इस तरीके के नाम होते हैं और कहानी जहाँ की है वहाँ ये नाम पाया भी जाता है। मैंने इस पूरी फिल्म में चाहे लिखने की बात हो चाहे शूट करने की बात हो हमेशा दिल को सुना है, तो दिल से वही आवाज आई कि सिया छोटा नाम अच्छा नाम है, वही रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस जियो फर्स्ट मूवी डेब्यू एंड इस तरह का रोल प्ले करना? मैं देख रहा था ट्रेलर में काफी, मैंने पहले भी बोला काफी स्ट्रॉन्ग किरदार आपका नजर आ रहा है, पोस्टर्स काफी अमेजिंग है, कुछ आपके रोल के बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ बताना चाहूंगा, और किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और पूरी फिल्म में बहुत इमोशनल रहा है। जब हमने प्रेप किया, जब हम शूट पे गए, टेकी हुआ जब, और जब फिल्म में उतर गए, जब स्टार्ट हुआ शूट और जब इंटायर मतलब पूरा जब शूट हो गया तब तक बहुत इमोशनल था, बहुत बंधा हुआ था, इस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी ना, मतलब ढलने में भी बहुत गहराई थी कैरेक्टर में, क्योंकि ढलने में भी बहुत
प्रॉब्लम जाती थी कि ऑन एंड ऑफ स्विच ऑफ जो वाला सिस्टम है वो नहीं होता था मेरे साथ में, और काफ़ी मुश्किलें आईं, बट हमने बहुत अच्छे से उसको प्यार से, जैसे सर ने बहुत अच्छे से उसको संभाला और बहुत प्यार से इस फिल्म को बनाया गया है बेसिकली, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को तो मस्त देखना ही चाहिए। किरदार की खास बात मुझे लगती है, किरदार का नाम है महेंद्र, मुझे खास बात ये लगती है कि ये किरदार बहुत सेल्फलेस है, और सेल्फलेस होने की मतलब उसकी जो सीमा है अगर उसको भी आप खींचने जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये किरदार खड़ा होता है सिया के लिए, सिया के साथ कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन है या दूर का रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है, ना उसे कोई आर्थिक लाभ होने वाला है, ना उसे कोई समाज में कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाने वाली है कि किसी एजेंडे की वजह से वो ये काम कर रहा है, वो सिर्फ मानवीय आधार पे एक इंसान के लिए खड़ा होता है, और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, और मुझे लगता है इस समाज में जहाँ हम सब हैं वहाँ बहुत सारे महेंद्र की ज़रूरत है। इसके अलावा रंगबाज की मैं बात करूँ, जिस तरह का प्यार आपको मिला है और इस किरदार में अलग है, दोनों किरदार की मैं बात करूँ दोनों डिफरेंट है, रंगबाज में मुझे एक चीज आपकी लगी कि आप थोड़ा जो मेथड एक्टिंग बोलते हैं एज एन एक्टर, एक मेथड एक्टिंग वर्ड होता है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं मेथड एक्टिंग आपकी लगी, और इसमें मैंने जितना भी ट्रेलर देखा इसमें भी मुझे कोई दर्शक कुछ इमेजिन वैसा हुआ, तो आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो एज एन एक्टर आपने आपको? हर किरदार जब आप हाँ करते हैं तो उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ, मैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, किरदार खुद जो है स्क्रिप्ट जो है टॉर्च के जैसे मुझे बताती है कि ये चीज़ पिक करो ये चीज़ पिक करो, और उसकी मैं लंबी लिस्ट बनाता हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। अब रंगबाज के लिए बहुत सारा प्यार मिल रहा है, फ़र्क इतना है कि रंगबाज में ये बाहुबली था मैं, जो किरदार मैंने किया, और यहाँ पे ये बाहुबली से लड़ेगा। मनीष जी, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने बोला जो सोसाइटी में जो हाल ही में जितने सारे केसेस आते हैं, क्या लगता है सर ये मूवी के बाद सोसाइटी में वो चेंज आप नजर आएगा? देखिए, एक फिल्म से कोई समाज नहीं बदल जाता, बट हाँ एटलीस्ट हमारी जो कोशिश है कि लोग उस दर्द को समझें, उससे रूबरू हों और उस इम्पैक्ट को समझें कि सुर्खियों से हटने के बाद भी उसके बारे में सोचें, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना चाहिए सोसाइटी में। लड़कियों को भी अपने हिस्से की ताकत मिलेगी इस फिल्म को देखने से, लड़कों को भी इस अपने हिस्से का शर्म और डर भी मिलेगा इस फिल्म को देखने से, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म इम्पॉर्टेंट फिल्म है आज के ज़माने के हिसाब से, और सबको देखना चाहिए इंक्लूडिंग पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की घटना कहीं घटती है तो इस फिल्म में भी आपको देखेगा, परिवार के लोग, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि परिवार के लोग लोक लाज की वजह से, बेइज्जती की वजह से उस बात को, यह होता है बढ़ा के क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया, भूल जाओ, कल को शादी करनी है, बदनामी होगी, तो मुझे लगता है इस सोच से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। आपके साथ गलत हुआ है तो आप वॉइस रेज करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब गलत तरीके का आरोप कोई लगाता है तो उससे ये पूरा मूवमेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो इस बात की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं गलत आरोप किसी पे ना लगाए जाए, अदरवाइज जो 10 ऐसे केसेस हैं जहाँ एक्चुअली गलत हुआ है लोगों का भरोसा गिर जाता है, तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलना चाहूँगी लड़कियों को स्पेशली कि अगर आपके साथ कुछ भी या आपके आसपास भी कुछ भी गलत हो रहा है तो बोलो, प्लीज़ बोलिए, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी, जैसे कि मेरे आसपास भी कुछ लड़कियों के साथ होता है बट वो लोग बोलते नहीं हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी प्लीज़ बोलिए और ये फिल्म देखिए। आवाज़ उठाइए जी, आवाज़ उठाइए और बैलेंस हमने देखिए। सर आपका एक आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, आपने मूवी बनाई है, कुछ एजेंडा रहेगा आपके पीछे, क्या एजेंडा रहेगा वो? एजेंडा कुछ नहीं है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन था और समाज के एक इश्यू को रेज करना था, और मेरा ये कहना है कि हम अक्सर रेप विक्टिम बोलते हैं उसको और उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सर्वाइवर्स हैं, वो फाइटर्स हैं, वो वीरांगनाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ है, और बहुत ज़रूरी है कि समाज में
उनको एक इज्जत दें, उनके लिए लड़ें, उनके साथ खड़े हों और उनको एक नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका दें, उनके और उनको परिवार को।